आप सभी को मेरा नमस्ते। मैं ज्योति रावत आपका स्वागत करती हूँ अपने YouTube चैनल में। मैं अपने गांव से नैनीडांडा जा रही हूँ। और ये हमारे पंचायत भवन से ये व्यू दिखता है, जहाँ पर एक गांव रानीहाट और दूसरा गांव अदवाड़ा दिखता है। और मुझे ऊपर वाली चोटी पे जाना है और मैं यहाँ से पैदल रास्ते जाती हूँ। ये हमारे गांव की रोड है, जिसमें कि सिर्फ बुकिंग पे ही गाड़ी आती है। और यहाँ से लिया मैंने शॉर्टकट रास्ता, और इस रोड आने की वजह से रास्ता भी अब बंजर सा हो गया है। अभी 2 किलोमीटर में चल चुकी हूँ और 1 किलोमीटर और चलना है, और मुझे अब लग रही है थकान, तो थोड़ी देर बैठ जाती हूँ और आप इस व्यू का आनंद लीजिए। देखिए यहाँ पे कितना सारा कूड़ा फैला रखा है, जबकि सरकार ने जगह जगह पे कूड़ेदान रखे हैं, उसका उपयोग करें। तो फाइनली मैं भी पहुँच गई हूँ रोड पे, और यहाँ पे जो प्राइमरी स्कूल दिख रहा है, वहाँ पे मेरे ससुराल से बच्चे पढ़ने आते हैं। मुझे थकान लग गई थी, तो मैं दुकान में पानी पीने के लिए गई, तब तक बस आ गई, और तब मैं बस में बैठी और नैनीडांडा की ओर चली गई। और मैं बस से उतर चुकी हूँ और मैं जा रही हूँ ब्लॉक। तो बस में हम 4 ही लोग थे और ज़्यादा भीड़ भी नहीं थी, तो अब मैं पहुँच गई हूँ ब्लॉक में। और ये 2 दीदियाँ काम कर रही थी यहाँ पे। आज तुम ये का खाओ मकाम। मैं पहुँच गई हूँ अब ब्लॉक में, और हम जा रहे हैं बाड़ाघाट, जहाँ पे समूह की महिला है लगा रही है कैमोमाइल। और हम फाइनली पहुँच गए हैं बाड़ाघाट, जहाँ पे समूह की महिलाएं कैमोमाइल की पौधों को कर रही अलग अलग, और इनकी लगेगी एक एक पौध। पहले बंजर थे, और जिसमें स्वयं सहायता की महिलाएं काम कर रही हैं और कैमोमाइल लगा रही हैं। और ये जो खेत दिख रहे हैं, ये सारे आबाद कर रखे हैं, और जो कैमोमाइल के पौधे महिलाएं लगा रही हैं, वहाँ आ रखी है पंजारा से। वहाँ पे भी उन्होंने एक नर्सरी बोई थी, वहाँ से नर्सरी बाड़ागढ़ में शिफ्ट हो रही है, और सभी महिलाएं लगी हैं काम पर। और ये जितने भी खेत आपको दिख रहे हैं, वो सारे पहले बंजर थे, और स्वयं सहायता समूह की महिलाएं इनको आबाद करने पे लगी है, जो कि बड़ी अच्छी बात है कि यह खेत अब आबाद हो रहे हैं। जो ये स्वयं सहायता समूह की महिलाएं हैं, वहाँ स्वयं सहायता समूह हमें 5 या 10 सदस्यों से मिलकर एक समूह बनता है या एक ग्रुप बनता है, जिसमें कि हमें खुलवाना पड़ता है। फिर ब्लॉक में इसका मैस होता है, जिसमें कि समूह को 3 महीने बाद आरएफ मिलता है। और जैसे कि हमारे बाड़ागढ़ में 5 या 6 समूह हैं, और 6 समूह के आरएफ में समूह में 10-10 हज़ार का आरएफ आ रखा है, जिससे कि सभी समूह की महिलाएं अपने आरएफ से इस कैमोमाइल के बीज को लाई थी। और फिर इन्होंने नर्सरी बोई, कुछ पौधे इन्होंने बाहर से मंगवाए, और फिर यह अपनी आजीविका को बढ़ाने के लिए ये कैमोमाइल की पौध लगा रहे हैं। फिर इसमें कैमोमाइल की को तोड़ के यह अपनी आजीविका को बढ़ाएंगे, और एक अच्छा सा कार्यक्रम कर रही हैं, जिसके कि इनको अपनी आजीविका को बढ़ाने में या अपने आर्थिक स्थिति को सही करने में बहुत मदद। अब फाइनली इन सभी खेतों में पौध लग चुकी है। पौध लगने के तुरंत बाद ही इनमें का छिड़काव जरूरी है, नहीं तो पौध सूख जाती है। और यह दीदी कर रही है पानी का छिड़काव, और इनके लिए पानी ज़्यादा ज़्यादा नहीं चाहिए, थोड़ा थोड़ा ही पानी चाहिए होता है। और हम आए बाड़ाघाट से ब्लॉक में,
अब बज गए हैं 4:30 और 4:30 बजे हम जाते हैं घर को। तो अभी भी ये दीदियाँ अभी भी कर रही हैं काम, और फिर हम इनको पूछा हमने आपकी छुट्टी नहीं हुई, तो इन्होंने कहा कि नहीं हुई अभी। और फिर मैं और मेरी दोस्त चली गई हैं घर को, गए हैं, और ये सुबह को चली जाती है जंगल में और शाम के टाइम आ जाती है मार्केट में। अब मैं और मेरी फ्रेंड जा रहे हैं पैदल पैदल, क्योंकि शाम के टाइम गाड़ी मिलना मुश्किल होता है, जिस वजह से हम जा रहे हैं पैदल पैदल। और हम पैदल ही जा रहे थे तब तक हमें मिल गए हैं मेरे चाचा, और उनकी गाड़ी में हम जा रहे हैं घर की ओर। अब मैं पहुंचने वाली हूँ घर, क्योंकि घर जाते जाते मुझे हो जाती है देर, तो इसी वजह से मैं घर का कोई काम कर नहीं पाती हूँ, और घर जाते जाते रात हो जाती है। तो घर में मेरी दीदी है, तो दीदी को खाना बनाने के लिए बोल देती हूँ, इसलिए मुझे खाना भी नहीं बनाना। खाना हो चुका है तैयार, जिसमें हमने आलू और मटर और मटर आलू मटर की सब्जी बना रखी है। तो हम खाना खाते हैं और आप लोग भी खाइए। आपको मेरा पहला वीडियो कैसा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मैं मिलती हूँ नई ब्लॉग।